अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको विजिट करवाते हैं 5 मरला घर बैरियर टाउन लाहौर में। ये मौजूद है, ये इसका स्ट्रीट व्यू है। 40 फिट रोड पे ये घर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये 12 ब्लॉक है, चारों तरफ घर बने हुए हैं। पार्क मस्जिद इसके बिल्कुल नियर टू है। 25-45 इसकी डायमेंशन है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। एलिवेशन में आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का रॉक वॉल का कलर है इसका, और ये वुडन कलर में इसमें टाइल यूज़ की गई है। ये जहाँ पे बैनर लगा हुआ है फोर सेल का, ये इसके टेरेस का डिज़ाइन है, और साथ ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, और ये अंदर से इसके फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की तरफ ओपन हो रही है ये इस तरह। ये ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है। इसके गेट को ये मेटल गेट इसमें यूज़ किया गया, ब्लैक और गोल्डन कलर का इसमें पेंट किया गया। ये इसका पोर्च है। पोर्च में आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की और ऑफ वाइट कलर की डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन में टाइल यूज़ की गई है। ये इसका पोर्च है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एक बड़ी गाड़ी पार्क हो सकती है। ये हमारे राइट साइड पे ये वॉल डिज़ाइन की गई है आर्टिफिशियल ग्रास में और स्टोन वर्क हुआ इसमें। ये वॉल डिज़ाइन की गई है फ्रेम शेप में, वुडन वर्क हुआ इसमें, राइट लिखी गई है बड़ी खूबसूरत। ये इसका मेन डोर है, और साथ ये डोर दिया गया है कि अंदर से स्टेयर्स के सामने आ रहा है। डबल यूनिट घर है, ये से आप सेपरेट कर सकते हैं। ये इसकी फ्रंट गली है। ये आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास में और वाइट कलर का इसमें टाइल वर्क किया गया है खूबसूरती के लिए। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई, अंदर से ये ड्राइंग रूम की तरफ ओपन हो रही है। ये ग्लोब वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये ऊपर बेडरूम की विंडो आ रही है। ये इसका टेरेस स्पेस है इसके। ये इसके टेरेस का सीलिंग डिज़ाइन है। ये मेन डोर है, ये हमारे लेफ्ट साइड पे इसके ड्राइंग रूम का डोर है। तो हम ये ड्राइंग रूम के डोर से इंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं ये इसके डोर का डिज़ाइन है, सॉलिड वुड में ये डोर तैयार किए गए हैं। ये इसके ड्राइंग रूम के फ्रंट वॉल है, आप देख सकते हैं खूबसूरत वॉल पेपर यहाँ पर यूज़ हुआ है, और ये वुडन वर्क हुआ है इसमें। ग्लोव वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है। नीचे ये 2x2 की वाइट कलर की टाइल यूज़ की गई, और इसमें हल्की डिज़ाइनिंग है ग्रे कलर की इस तरह। लेफ्ट साइड पे ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए ड्राइंग रूम में। बाहर से ये फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी, और ये सामने लिविंग एरिया है। ये ड्राइंग रूम को और लिविंग एरिया को आप प्रॉपर सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कर्टन वगैरह लगा के या वुडन वर्क आप करवा सकते हैं यहाँ पर। ये इसके लिविंग एरिया की मीडिया हॉल है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट में ये बड़ी खूबसूरती से इसे तैयार किया गया। ग्लोब वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है, और इस वॉल में वॉल पेपर यूज़ किया गया बड़ा खूबसूरत। ये इसके लिविंग एरिया का सीलिंग डिज़ाइन है। शैंडल इसमें यूज़ किए गए बड़े खूबसूरत। मिरर वर्क हुआ है, वुडन वर्क हुआ है, फैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है इस तरह। ये लिविंग एरिया के साथ बिल्कुल ये एक बेड दिया गया नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और साथ ये किचन है। चलिए हम ये बेड विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्रिल्स में यूज़ हुई है। ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है, और ये इसके बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है गोल्डन कलर के। इसमें वॉल पेपर यूज़ किया गया, इसे पोशिश किया गया, और वुडन वर्क हुआ इस वॉल में। ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है, और ये बेड साइड के बिल्कुल सामने कवर स्पेस दी गई है, और साथ ही एलईडी पॉइंट दिया गया। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत ये ग्रे कलर की टाइल यूज़ की गई नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई, सिंक कमबोर्ड मिरर और शावर सेट वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये इसका वॉशरूम है। ये इसके बेड साइड की वॉल है। ये वेंटिलेशन के विंडो दी गई है, बेड साइड के वॉल के बिल्कुल सामने ये एलईडी पॉइंट दिया गया है। इसकी कवर्ड स्पेस है, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। सीलिंग डिज़ाइन में ये मिरर यूज़ हुआ है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, और फैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये वापस हम लिविंग एरिया में आ गए हुए हैं। इसके साथ बिल्कुल ये किचन का डोर है। ये किचन हम विजिट कर लेते हैं। किचन में आप देख सकते हैं ये यूवी शीट इसमें यूज़ की गई, बड़ा खूबसूरत इसका कलर है। बर्नर हुड वगैरह इसमें इंस्टॉल है। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट इसमें इंस्टॉल है।
ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, बड़ा खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये इसकी बैक गली है, ये आप देख सकते हैं इसमें टाइल यूज़ की गई है नीचे। ये इसका किचन है, ये मैं आपको किचन का व्यू दे देता हूँ। ये सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है इसमें। ये हम वापस लिविंग एरिया में आ गए हैं। मैं आपको इस लिविंग एरिया का पूरा व्यू दे देता हूँ एक। जब हम यहाँ से इंटर हुए हैं ड्राइंग रूम के डोर से, ड्राइंग रूम के साथ इसका ये लिविंग एरिया है, और लिविंग एरिया के साथ ये एक बेड है, नीचे किचन दिया गया ग्राउंड फ्लोर पे, साथ ये छोटा वॉशरूम दिया गया स्टेयर्स के नीचे। ये इसका मेन डोर है, ये बाहर से पोर्च की तरफ ओपन हो रहा है इस तरह ये डोर भी। अब हम इसका ये फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्टील स्टेयर्स इसमें यूज़ की गई हैं, और स्टेयर में ये स्टेप पे ये वाइट और ब्लैक कलर की टाइल यूज़ की गई है, और स्टेयर्स के साथ ये वॉल को प्रॉपर डेकोरेट किया गया है वॉलपेपर के साथ, और ये फ्रेम शेप में यहाँ पे मिरर यूज़ किया गया है जहाँ पे जिसमें ये आयत लिखी हुई है, वुडन वर्क हुआ इसमें, बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये हम ऊपर आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। ये इसका लिविंग एरिया फर्स्ट फ्लोर पर, ये बिल्कुल सामने मीडिया वॉल दी गई, ये वुडन वर्क हुआ है इसमें बड़ा खूबसूरत, इसमें वॉलपेपर यूज़ हुआ है, सेम टाइल यूज़ हुई है ग्राउंड फ्लोर की तरह फर्स्ट फ्लोर पे भी, बेडरूम में और लिविंग एरिया में और वॉश किचन में। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फ़ैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये हमारे राइट साइड पर ये बेडरूम दिया गया और साथ ही किचन है, और लेफ्ट साइड पर ये बेडरूम दिए गए साथ ही टेरेस का डोर है इस तरह, और ये इसका लिविंग एरिया, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। पहले हम ये राइट साइड पे बेड विजिट कर लेते हैं। ये स्टेयर से हम ऊपर आए हैं इस तरह, ये साथ ये बेडरूम का डोर है, ये सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है, ये सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है, और ये आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत ये इसकी बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, ग्लोव वगैरह इंस्टॉल है, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है बिल्कुल सिंपल, फ़ैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है, और बेड साइड की वॉल के सामने बिल्कुल ये एलईडी पॉइंट दिया गया है, साथ ही कवर्ड स्पेस दी गई। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में आप देख सकते हैं नीचे जेट ब्लैक कलर की और ऊपर ऑफ वाइट कलर की, और साथ ये डिफरेंट कलर के कम्बिनेशन में टाइल यूज़ की गई ऊपर छत तक ग्राउंड से लेके, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, एग्जॉस्ट इसमें इंस्टॉल है, वेंटिलेशन की विंडो दी गई है, सिंक कमोड मिरर, और ये आप देख सकते हैं शावर सेट वगैरह इसमें इंस्टॉल है। इसका वॉशरूम है, ये इसके बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, और साथ ही किचन दिया गया। किचन में आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में और वुडन डिज़ाइन में, ये इसकी शीट का डिज़ाइन है, ये ग्रे कलर है इसमें, हल्का ब्राउन कलर है इस तरह, डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन है इसमें शीट के कलर में, बड़ा खूबसूरत कलर है इसका, बर्नर हुड वगैरह इसमें इंस्टॉल है, वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है, एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है इसका। ये इसका किचन है, ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। ये हम अपने राइट साइड विजिट कर चुके हुए हैं, राइट साइड पे एक बेड है, साथ ही किचन दिया गया है, और लेफ्ट साइड पे एक बेड है और टेरेस का डोर है। पहले हम ये बेड विजिट कर लेते हैं। बेड में सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन में कॉर्नर शेप में, ये फ्रंट से स्ट्रीट व्यू आएगा, स्ट्रीट व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं इस बेडरूम से, और साथ ये टेरेस व्यू आएगा इस तरह कॉर्नर शेप में, ये विंडो दी गई है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है, और ये इसकी बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है खूबसूरत वॉल पेपर के साथ, ग्लोव इसमें इंस्टॉल है, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, मिरर इसमें यूज़ किया गया, फ़ैन इंस्टॉल है इसमें, सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है, और बेड साइड की वॉल के बिल्कुल सामने ये मीडिया वॉल देगी, ये एलईडी पॉइंट दिया गया इस तरह,
और ये इसका वॉशरूम। वॉशरूम से पहले ये कबर्ड स्पेस दी गई है, ये आप देख सकते हैं। वॉशरूम में वाइट और ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग में टाइल यूज़ की गई है, नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक। शावर सेट इसमें इंस्टॉल है, ये सिंक कमोड मिरर वगैरह इसमें इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम पैस से पहले ये कबर से स्पेस दी गई है। ये इसके बेड साइड की वॉल है, ग्लोव वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, ये इसके साथ एलईडी पॉइंट दिया गया है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, ये इसका व्यू है इसके बेडरूम का। इसके साथ बिल्कुल ये टेरेस का डोर है, ये विंडो दी गई है स्टेयर्स के सामने वेंटिलेशन के लिए। टेरेस में ये सेम टाइल यूज़ हुई है पोर्च की तरह, उसी डिज़ाइनिंग में। ये इसके टेरेस का डिज़ाइन है। ये बेडरूम की विंडो अभी हमने विजिट की है अंदर से, ये इस तरह ही। और ये विंडो हमने विजिट की है अभी अंदर से, स्टेयर्स के सामने आ रही है। इसके टेरेस का डिज़ाइन है, ऊपर ये वेंटिलेशन की विंडो दी गई है ममटी के ममटी में। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये लिविंग एरिया इसका, स्टेयर्स के साथ ये राइट साइड पे एक बेड दिया गया है, साथ ही किचन है। लेफ्ट साइड पे ये एक बेड है और साथ ये टेरेस का डोर है। ये फ्रंट एलिवेशन वाली साइड है। अब हम स्टेयर से ये इसकी ममटी और छत विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ममटी में सेम टाइल यूज हुई है ग्राउंड फ्लोर की तरह, फर्स्ट फ्लोर की तरह। ये वेंटिलेशन की विंडो दी गई है, डबल विंडो दी गई है वेंटिलेशन के। यहाँ पे ये एक वॉशरूम दिया गया, वॉशरूम में वेंटिलेशन की विंडो दी गई है। छत पे आप देख सकते हैं इसे मार्बल यूज किया गया, प्रॉपर 12 ब्लॉक है ये। चारों तरफ इसके घर बने हुए हैं, 220 इस घर की डिमांड कर रहे हैं। तो जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड हो, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।